चांगयोग नूंगेत्सु वोन हवासुंग के चार द्वारों में से एक है और 8 मई को जमीन टूट गई। 1795 जमजो 19 और 17 अक्टूबर को समाप्त हुआ। चांगयोग का अर्थ है चेउंगयोग, जो एक नीले ड्रैगन को संदर्भित करता है जिसका अर्थ पूर्व है। महल की दीवार की सुरक्षा के लिए ओंग सुन को आधे चांद के आकार में रखा गया था। ओंग सुन में मेहराबदार द्वारों के बाईं ओर स्थित एक पत्थर की दीवार। महल के निर्माण के प्रभारी अधिकारियों के नाम उत्कीर्ण हैं। चांगयोग नून हवासुंग किले का पूर्वी द्वार है। चांगयोग का शाब्दिक अर्थ है नीला ड्रैगन, पूर्व का एक शुभ पौराणिक संरक्षक पशु। हवासुंग किले के चार द्वारों में से एक चांगयोग चंद्रमा का निर्माण 1795 में किया गया था। बाहर से देखने पर चांगयोग नून गेट एक ऐसी जगह पर स्थित है जो अंदर की ओर मुड़ता है। बाएं और दाएं उभरी हुई दीवारें स्वाभाविक रूप से गेट की सुरक्षा के लिए एक महल के रूप में काम करती हैं। गेट के अंदर की बड़ी खुली जगह का उपयोग सैनिकों के प्रशिक्षण मैदान के रूप में किया जाता था। इसमें एक पत्थर का मेहराब, एक मंजिला लकड़ी का मंडप और एक अर्धवृत्ताकार ईंट की दीवार जो गेट की रक्षा में मदद करती है। पड़ोसी क्षेत्र पर नजर रखने के लिए चांगयोग नून के पास एक लंबा वॉच टावर बनाया गया था और चांगयोग नून के उत्तर में समतल क्षेत्र का उपयोग सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में किया जाता था। निर्माण में शामिल लोगों के नाम गेट की पत्थर की दीवार पर अंकित हैं। कोरियाई युद्ध 1950-1953 के दौरान गेट का लकड़ी का मंडप नष्ट हो गया था और 1976 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। गेट से बाहर जाने वाली सड़क क्षेत्र से जुड़ी हुई है सियोल के पूर्व में, लेकिन यह एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग नहीं था। चांगयोग नून गेट सुवोन हवासुंग किले के पूर्वी द्वार से मेल खाता है। फिलहाल यहां आसपास पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं मौजूद हैं। चांगयोग नून गेट सुवोन हवासुंग के चार मुख्य द्वारों में से एक है, पूर्व में स्थित है, अन्य द्वारों के विपरीत जहां यातायात अपेक्षाकृत भीड़भाड़ वाला होता है, ये शांत और एकांत है। चांगयोग का अर्थ है नीला ड्रैगन और दिशा का अर्थ है पूर्व। चांगयोग नून गेट को आधे चांद के आकार में बनाया गया था ताकि द्वार को शत्रुओं से बचाया जा सके। सुवोन हवासुंग किले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य द्वारों के विपरीत यह एक तरफ से खुला है। ये बनाया गया होंग ये नून गेट के ऊपर एक मंजिला गेट टावर बनाने के लिए और द्वार को बाहर से सुरक्षित रखो। ओंग सुन किला चांगयोग नून गेट के पूर्व में है। इसकी ऊंचाई 2.9 मीटर और परिधि 17.2 मीटर है। इसमें छोटी और लंबी दूरी तक निशाना साधने के लिए 14 ग्रेनेलेशन हैं। इसके अलावा 2016 के बाद से सुने हवासुन किले का दौरा करने का वर्ष जीता, ये देखने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव और चीजें प्रदान करता है। आप हीलियम बैलून, फ्लाइंग सुवोन की सवारी कर सकते हैं और ऊपर से सुवोन शहर की सुंदरता को महसूस करें। वहां एक गर्म हवा का गुब्बारा है और इसे फ्लाइंग सुवोन कहा जाता है। यह आपको आसमान में ऊपर से सुवोन हवासुंग किले को देखने की अनुमति देता है। यह एक अनोखा पर्यटन उत्पाद है और इसे कहीं और खोजना कठिन है। दूसरी ओर यहाँ एक कोरियाई तीरंदाजी अनुभव केंद्र है। ठीक कोरिया में जो सन राजवंश के राजा जंगजो की तरह राष्ट्रीय रक्षा के लिए तैयारी पर जोर दिया, आप उनकी देशभक्ति का अनुभव कर सकते हैं। निर्देशों के अनुसार यहां तक कि वे भी जो पहली बार कोरियाई तीरंदाजी आजमा रहे हैं उन्हें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बिना किसी कठिनाई के आप कोरियाई तीरंदाजी का अनुभव कर सकते हैं। कोरियाई तीरंदाजी अनुभव केंद्र सुवोन हवासुंग का एक लोकप्रिय पर्यटन उत्पाद है। चांगयोग नून गेट के बड़े चौक में कई लोग पतंग भी उड़ाते हैं और सुकून महसूस करते हैं। जो सन राजवंश के राजा जंग जो सुवन हवा सुन किला बनाने का प्रयास और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस समय कोरिया में जो सन राजवंश के राजा जंग जो थे सुवन हवा सुन किला बनाने का प्रयास किया, सुवोन क्षेत्र में बहुत कम निवासी थे।
जैसे एक नया शहर बनाना। यह माना जाता है कि कई सैनिकों की आवश्यकता थी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जो सन राजवंश की राजधानी के क्योंगा में कई सैनिक सुवोन हवा सुंग आए। तथापि क्योंकि बड़े सुवोन हवा सुंग किले में नए सैनिकों को प्रशिक्षण देकर बहुत अधिक सैनिकों को तैनात करना पड़ा, यह माना जाता है कि डोंगजान दे जैसे सैन्य प्रशिक्षण स्थल की आवश्यकता थी। हालांकि सुवोन हवा से उन किले के पूर्वी हिस्से में जहां डोंगजान दे स्थित है, पास में ही चांगयोंग मून गेट है जो सुवोन हवा सुंग किले के चार मुख्य द्वारों में से एक है, वहां बहुत अधिक तैरती हुई जनसंख्या नहीं है, इसलिए इसे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। अब भी डोंगजान दे के पास बहुत खाली जगह है, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर सैन्य प्रशिक्षण भी संभव था।